हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में अपन वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए 9th की सूचना प्रौद्योगिकी का जो आपका पेपर है, आईसीटी का जो पेपर है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये परीक्षा 2022-23 का पेपर है, आप इसे पूरा का पूरा देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आ सकते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपने देखा होगा जो मेमोरी होती है उसमें एक होता है बाइट होता है, बिट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है। तो ये सारी इसकी इकाइयाँ होती हैं। इसमें सबसे छोटी इकाई पूछा है, तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब जो है वो बिट है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, कि नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है वो इंटरनेट कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन द। ठीक है, बाकी ये जो लैन है, मैन है, वैन है, ये भी एक प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लोकल, जैसे लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, इस तरीके से। लेकिन नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है वो होता है इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? एक्चुअली वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करना है, उसे उसे सुरक्षित करना है, उसे उसकी प्रिंटिंग करनी है, तो उसमें ये काम आता है। तो इसमें देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट है, ये सभी हैं। तो इस राइट का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द। तो इस प्रकार के सारे प्रश्न हैं। मैं आपको आगे बता देता हूँ कि ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ, तो देखो, ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा, उक्त सभी, तो ये इसमें राइट आंसर रहेगा द। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? WIPO, विपो के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसकी स्थापना जो है वो 14 जुलाई 1967 को हुई थी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट में होते हैं 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं, 64 बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, उससे बड़ी होती है बाइट। ठीक है, उससे बड़ी होती है बाइट होती है, फिर ऐसे फिर मेगाबाइट होती है, फिर गीगाबाइट होती है, इस तरीके से इनकी साइज बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, ई पुलिस व्यवस्था में मुख्य उपकरण शामिल होते हैं। मैं आपको सारे के सारे प्रश्न एक बार बता देता हूँ। डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध है फाइल मेनू में, प्रारूप मेनू में, संपादन में, या फिर उक्त सभी में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ई लर्निंग में किस चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किताबें, डिजिटल शिक्षण सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सबका किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा संचार का माध्यम है? मॉडेम है, हब है, पुल है, या इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में निर्देशों के सेट को के रूप में जाना जाता है। फिर है, रिक्त स्थान को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। पेट्रोल पंपों पर प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर तंत्र के मुख्य इकाइयों के नाम लिखिए। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के क्या कार्य हैं? सुपर कंप्यूटर का उपयोग लिखो। कट कॉपी पेस्ट क्या है समझाइए। साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। इंटरनेट पर खरीदारी किस माध्यम से की जाती है? ICI और ISP का पूरा नाम लिखिए। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? और HTTP का पूरा